हेलो फ्रेंड्स, आज तीन ऐसे स्टैचू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी को गर्व होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने देश को बहुत ही आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे देश की संपत्ति ऐसे जगह खर्च कर रहे हैं जहां से देश विदेश में भी काफी चर्चा का विषय है। भले ही यहां की जनता भूखे पेट सो जाए, पर सरकार की मन की बात से जनता की पेट जरूर भर जाता है। पर धीरे धीरे ये जनता को भी समझ आएगी जब देखेंगे इस स्टैचू का रहस्य। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी। के बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2010 में एक अद्भुत घोषणा किया गया जिसे सुनकर आप भी चकित हो जाएंगे। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी ऊंचाई आधार से 240 मीटर और मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर यानी मूर्ति की कुल ऊंचाई 597 फीट ऊंची है। इसका निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को किया गया और 25 अक्टूबर 2018 को बनकर तैयार हो गया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन भी कर दिया गया। ये जगह पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया है, पर इसकी लागत बनाने में जो लगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जबकि इस स्टैचू में खर्च 2,989 करोड़ का खर्चा है। दूसरा स्टैचू रामानुजाचार्य जी का तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में स्थित है। रामानुजाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1017 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में। इनके स्टैचू में 7000 टन पंच तत्व द्वारा बनाया गया जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का इस्तेमाल किया गया था। यह स्मारक 45 एकड़ में 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया है जिसमें सिर्फ मूर्ति की लागत 130 करोड़ है। रामानुजाचार्य 120 साल की आयु तक जीवित रहने के कारण इनकी प्रतिमा में 120 केजी सोना लगाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट एवं आधार से इसकी ऊंचाई 216 फीट है। तीसरा स्टैचू अटल बिहारी वाजपेयी जी का है जो हमारे बीच अब नहीं है। यह स्टैचू 1300 केजी का भोपाल में 17 लाख की लागत से बनाया गया है। इनकी दूसरी प्रतिमा शिमला में 18 फीट ऊंचा 1.08 करोड़ की लागत से बनाया गया एवं तीसरा लखनऊ में 25 फीट की ऊंची 89 लाख की लागत से बनाया गया है। और चौथी इनकी प्रतिमा ग्वालियर में 7 टन का 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। बहुत ही जल्द ये भी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी मौजूदा सरकार के पास नौकरी के लिए पैसे नहीं है, वैकेंसी भी नहीं है। रोजगार लोग को कूड़ा समझकर डंडों के भागीदार बना रहे हैं। इन सभी पैसों को जो स्टैचू और मंदिरों में दान किया जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में लगाया जाता तो मुद्रा का दर के साथ बेरोजगारियों को सुनहरा मौका मिल जाता। गुजरात के स्टैचू में जो खर्च हुआ, सिर्फ वो अगर भारत के अमीर गरीब सभी के खातों में पैसा डाला जाए तो ये करीब हर व्यक्ति के खाते में 21 करोड़ रुपया जा सकता था। हमारा देश गरीब सिर्फ भ्रष्ट नेताओं के वजह से है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो लोगों में शेयर जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ सके। जय हिंद, जय भारत।